काफी अच्छे मंदिर। नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नासिक। और कल आराम करके आज सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 5 और आप देख सकते हैं ये पूरा रूम खाली है, पूरा रूम खाली है। हमारे साथ जो 2 भैया थे और वो चले गए, वो एक्चुअली यहाँ पे आए थे, आर्मी का आज फिजिकल है तो रनिंग के लिए आए थे, दौड़ के लिए। और यहाँ पे अगल बगल 2-3 रूम, मतलब सब रूम में वहीं के लिए लोग आए थे, तो मैं पूरे रूम में अकेला हूँ। और काफ़ी यहाँ पे बरंदा है तो सुबह सुबह काफ़ी अच्छा नज़ारा है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वाव, ओम शांति, क्या नज़ारा है। सो सुबह सुबह ही मेरी नींद खुल गई, क्या बोलोगे आप, 3:30 बजे मेरी नींद खुल गई ब्रह्म मुहूर्त में। तो अब अच्छी बात है ये सब कि इतनी जल्दी नींद खुल जाती है। अब यहाँ पे फ्रेशन अप तो हो चुका हूँ, बस नहा लेते हैं फटाक से, और नहाने के बाद निकलते हैं घूमने के लिए। और सबसे पहले तो यही मंदिर को आपको दिखाऊँगा। और ये मंदिर, मतलब कि जहाँ जहाँ मुझे घूमना था उसमें से वन ऑफ द जगह यही था। उसके बाद और कुछ जगह हैं, उसके बाद हम लोग पंचमुखी जाएंगे। पंचमुखी पूरा अच्छे से जानेंगे क्या होता है और सब कुछ जानेंगे। उसके बाद लास्ट हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। सो काफ़ी लंबा सफ़र रहेगा आज, थकावट वाला भी रह सकता है, लेकिन बहुत मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अकेले ये सब चीज़ कर रहा हूँ, तो और ज़्यादा खुशी है। और आपको भी वीडियो देख के बहुत पसंद, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से नहा लेते हैं और फटाक से निकलते हैं, क्योंकि फिर जल्दी, जितना जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी सारा काम हो पाएगा। लेट्स गो। सो 6:30 हो रहे हैं और हमारा सफ़र शुरू हो गया। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ त्र्यंबकेश्वर, जो यहाँ से कम 30 किलोमीटर, सुन रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा दूर है। देखते हैं कैसे जा पाते हैं। बस की फैसिलिटी शायद होगी, लेकिन वो स्टेशन के पास है तो उसके लिए भी चलना पड़ेगा। देखते कैसे क्या होता है, क्योंकि पंचमुखी तो जो यहाँ पे है, सब कुछ सीता गुफा और जो भी है, तो यहाँ के वो बगल में है, तो रात में भी घूम सकता हूँ। लेकिन त्र्यंबकेश्वर रात में कैसे जाऊँगा, इसलिए पहले वहाँ से निपटा लेता हूँ, फिर इधर का घूमूँगा। चलिए पहले चलते हैं त्र्यंबकेश्वर, लेट्स गो। सो मैं बजट फ्रेंडली घूमना है, इसीलिए हम सबसे ईजली सोर्स और मतलब जो कम बजट में हो जाए वो ढूंढेंगे। ऐसे अगर आपको घूमना है तो आप फैमिली के साथ हो तो आप टैक्सी ले सकते हो। ऐसे आपको मेन जगह जो है नासिक में, आपको सब जगह घुमा देंगे, ऐतिहासिक जगह। लेकिन हम बजट फ्रेंडली घूम रहे हैं, इसलिए हम मिनिमम बजट वाले चीज़ों के साथ ट्रैवल करेंगे और कुछ भी एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ से मैंने ले लिया है ऑटो, ऑटो से आपको जाइए ST बस स्टॉप, वहाँ से आपको जल्दी मिल जाएगा त्र्यंबकेश्वर के लिए बस। ऐसे आप यहाँ से स्टेशन भी जा सकते हैं, तो स्टेशन के लिए जाइएगा तो आपको बस बहुत थोड़ा टाइम पे मिलेगा, लेकिन ST बस स्टॉप से आपको तुरंत मिल जाएगा बस त्र्यंबकेश्वर के लिए। सो ऑटो वाले आपसे मिनिमम बहुत बोलेंगे चार्जेस, तो आपको हमेशा रिड्यूस करना है और किसी के बाद में जल्दी नहीं आना है। अभी मुझे एक ऑटो वाला मिला, उसने बोला 100 रुपये, तो वैसे नहीं मान लेना है। मिनिमम चार्ज यहाँ पे 50 बोलेंगे, उससे कम नहीं जाते, लेकिन मैंने 40 में डील कर लिया, तो 40 यहाँ पे काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको कम नहीं करेगा। तो 40 तक में आप जा सकते तो जाइए, करवाने की कोशिश कीजिए। और वहाँ से पहुँचिए ST बस स्टॉप, तो वहाँ से फंसता हूँ और उसके बाद वहाँ का चार्जेस देखता हूँ त्र्यंबकेश्वर के बस के लिए क्या चार्जेस है। सो ST बस स्टॉप पे हम आ चुके हैं। सो नासिक स्टेशन रोड से यहाँ पे आने के लिए आपको कम से कम 12-13 किलोमीटर है। अब यहाँ से बस आएगी और बस से आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा जाने में, और शायद चार्जेस 100 रुपये हैं, तो वहाँ हम लोग चलते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे बस का काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अलग अलग बस का, हमारा भी बस आने में भी वक्त है। से हमें सफ़र करना है और इसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, मतलब कि चढ़ने के लिए सीट लेने के लिए होती है। सब ये 1 घंटा लगेगा
एक घंटा तक आराम करते हैं और आपको बीच बीच पे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य का नज़ारा दिखाते हैं। लास्ट स्टॉप त्र्यंबकेश्वर है और जैसा कि ऑटो वाले ने बताया वो बिल्कुल गलत था, 100 रुपये नहीं, मात्र 45 रुपीज़ में आप एसटी बस से त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाएंगे, मात्र 45 रुपीज़, और एक घंटा भी नहीं, अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट से पहुंच जाएंगे। तो देखता हूँ कि कब तक पहुँचता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी सारे माउंटेंस हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छी सी सीनरी है और कॉलेजेस लोगों के जो है वो काफ़ी ऊपर हैं, तो पहाड़ के बस आती है उन्हें लेने के लिए। और देखिए ये कितना अच्छा पहाड़ है, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और यहां से बस कुछ दूरी पे है ज्योतिर्लिंग। और यहां पे देखिए एक आपको देख रहा होगा, दूर से दिख रहा होगा उधर, वो है नील पर्वत। और एक और हनुमान जी का भी मंदिर है, वो भी काफ़ी दूर है, मतलब पे चढ़ के जाना पड़ता है पहाड़ पे, तो काफ़ी सीढ़ियां हैं। अगर आप रिक्शा वहाँ से जाता नहीं है, अगर जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा लेगा आपसे। तो देखते हैं, अभी श्योर नहीं वहाँ जाएंगे कि नहीं, पहले चलते हैं ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। और अंदर फ़ोन ये सब अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर से तो फ़ोटो ये सब खींच सकते हैं आप। तो अंदर का तो आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन बाहर का पूरा अच्छे से मैं टेम्पल दिखाऊँगा। लेट्स गो। या अंदर जाने से पहले अंकल के दुकान से, ये काफ़ी अच्छा दुकान है, यहाँ पे आप आ सकते हैं ख़रीदने के लिए। ये महाकाल का कुर्ता, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो फाइनली ये रहा मंदिर, देख सकते हैं, और यहाँ से एग्ज़िट है। और यहाँ पे काफ़ी सारे देख सकते हैं, काफ़ी सारे शॉप हैं बाबा के लिए, ओम नमः शिवाय महादेव, और सब लोग बस ओम का सर पे लगाने के लिए। और यहाँ पे लाइव LED पे भी आप देख सकते हैं, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ भाई, बताइए, ये ड्रेस मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग अंदर की ओर चलते हैं और दर्शन करते हैं। और इधर से मंदिर की एंट्री है और इधर से फ्री है, और जिधर से मैंने वो दिखाया था एग्ज़िट का, उस साइड से भी आगे से एंट्री है, लेकिन उसका 205 मतलब आपको पैसा लगेगा, तो उतना पैसा क्यों खर्च करना, बाबा के यहाँ आए हैं तो सब मेहनत करके जाएंगे, VIP वाला ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखिए मैंने ऊपर सर पर रखवा लिया, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। यहाँ से एंट्री है और एंट्री आप कर लीजिए, पूरा जाइए, देखिए लाइन अभी ज़्यादा नहीं है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे, उम्मीद है। यहाँ पे फूल, नारियल, बेल पत्तर, धतूरा, बहुत भी बहुत कुछ, ये सब कुछ मैंने ले लिया है चढ़ाने के लिए महादेव को। और इसका मात्र 70 रुपये, बोलते तो बहुत ज़्यादा चार्ज है, लेकिन आप उसे कंपनसेट करो तो रिड्यूस करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं कर रहे थे। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर अभी भीड़ नहीं है, जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बाहर से आपको मैं मंदिर दिखाऊंगा, ये देखिए काफ़ी अच्छे मंदिर, यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और अंदर की भी जितनी हो सके मैंने खींची। और मेन जो जहाँ पे बाबा हैं वहाँ पे नहीं खींच सकते फ़ोटो वीडियो, एकदम बिल्कुल अलाउ नहीं है, तब भी मैंने एक छोटा सा स्नैप ले लिया फ़ोन के थ्रू। और ये देखिए काफ़ी अच्छा, हर हर महादेव हर जगह गूंज रहा है, और बहुत सारे क्लिप मैंने आपको दिखाए। और यहाँ पे शिवलिंग, ये 12 शिवलिंग में से एक है, और हर जगह बस आपको महादेव का शिवलिंग दिखेगा, लेकिन यहाँ पे त्रिमूर्ति दिखती है, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि एक बार
विष्णु ब्रह्मा जी और विष्णु जी में हुआ लड़ाई चल रही थी कि सुप्रीम गॉड कौन है, तो वहीं पे महादेव एक पिलर लाइटनिंग की तरह आए और बोले कि अगर कोई जो मेरा आखिरी पार्ट खोज देगा मैं वही सुप्रीम गॉड होगा। तो इसमें दोनों में क्या हुआ कि दोनों लग गए, एक ऊपर चले गए एक नीचे चले गए। तो ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु जी बोले कि मेरे को नहीं पता गया, मैं हार गया, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए कि मुझे पता चल गया। तो उसी में उन्हें वो श्राप मिल गया कि त्रेता लोक तक आपका पूजा कभी नहीं होगा, तब सी से ये तम्रकेश्वर हो गया। दैट्स ऑल, ये स्टोरी है इसके पीछे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बाहर। बाहर भी महादेव की पूजा हो रही है, यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। ये देखिए बाहर से पूरा ये मंदिर काफ़ी साल पुराना त्रंबकेश्वर। तो एक शिवलिंग मैंने पूरी कर ली और दो ऐसे तो मैंने 4-5 शिवलिंग पूरा कर लिया 12 शिवलिंग में। और उधर पहाड़, और अभी एक और जगह हम जाएंगे तो उसका भी इंतज़ार है। बस चलिए, काफ़ी अच्छा रहा ये सफ़र, बहुत ही अच्छा। देखिए और एक साथ इतने सारे जगह मैंने घूम लिए और ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हर हर महादेव।